ऐसा है कि महामहिम जो यहाँ आए वो मिलने के दृष्टि से आए थे, और उसके बाद फिर प्रदेश के बारे में, प्रदेश के यहाँ के भविष्य के बारे में बहुत सारे विषयों पर मैंने उनको सुझाव दिए थे कि आप एक तो यहाँ प्रदेश जो है शिक्षा का बड़ा हब हो सकता है, और एक यहाँ पर्यटन का बड़ा हब हो सकता है। दूसरा मैंने उनको कहा कि यहाँ की सरकार को निर्देश दें कि पर्यटन और तीर्थाटन में अंतर करें, क्योंकि पर्यटन से जो तीर्थ की पवित्रता है वो नष्ट हो रही है, इसलिए पर्यटन और तीर्थाटन इन दोनों को अलग अलग करें और अलग से प्रदेश में तीर्थाटन मंत्रालय बनना चाहिए। आप किसी भी शामिल होना है। दूसरी बात, आप बाई रोड आई हैं, सड़क की आपने हालत देखी होगी, कैसा लगा आपको यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ईटीवी नीचे करो महाराज, जो देवभूमि है भाई जी, ईटीवी यहाँ और मुझे ईश्वर ने एक ऐसी तपोभूमि का सेवा करने का मौका दिया है, जहाँ देवताओं का वास है, यह गंगा और यमुना का मायका है। मैं भी यमुना की धरती से आ रही हूँ, आगरा से, और यहाँ यमुना और यहाँ गंगा मैया से भी मिली हूँ, तो मैं अपने को बहुत धन्य मान रही हूँ। और दूसरा, आज तो मैं केवल यहाँ पर ईश्वर की आराधना के लिए आई हूँ। मैं आई हूँ आप लोगों के बीच में, दोबारा फिर मिलूंगी, जैसे आपके सवाल हैं उनके फिर जवाब दूंगी, इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।